अलम्यूर्योज माइ न चीमा फाउंडर एंड सी ऑफ मकान सोलूशन प्राइवेट लिमिटेड आपका सफ़र से मकान तक इस वीडियो में आपको मैं ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक ई की जो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट है उसके वाले से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा सेकंड इज की जो इसकी रियल फुटेज है ड्रोन की फुटेज वो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो इसके साथ अटैच कर दूंगा बाद में बट इस वक्त मैं आपको ऑन ग्राउंड एक्सप्लेन करता हूँ कि इस वक्त जो ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट का स्टेटस है वो क्या है इस वीडियो में मैं तीन पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगा नंबर वन इसके वट इज़ द लोकेशन ऑफ ओवरसीज ई ओवरसीज प्राइम ब्लॉक ई नंबर टू इज के वट आर द प्लॉट साइजे इन ब्लॉक ई एंड नंबर थ्री वट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ डेवलप इन ओवरसीज प्राइम ब्लॉक ई सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की तो ओवरसीज प्राइम में ब्लॉक ई e जो है ये दोनों साइड से दोनों एंट्रेंस पॉइंट से मिड में आता है यानी अगर आप एंट्रेंस रोड वन से आते हैं तो आपको फिर भी लेफ्ट uh, साइड में मिलता है आप, आपके राइट right साइड में मिलता है अगर आप एंट्रेंस रोड वन टू से आते हैं तो आपको आपकी लेफ्ट साइड में मिलता है तो एंट्रेंस रोड वन की जो वेट है दैट इज वन फीट और एंट्रेंस रोड टू की जो वेट था दैट इज वन फीट तो दोनों साइड से एक्सेस होने की वजह से इस ब्लॉक की लोकेशन जो है वो काफी प्राइम बन जाती है इस ब्लॉक में अगर हम बात करें लोकेशन के साथ इसका जो सेकंड मोस्ट अच्छा पॉइंट है वो बहुत अच्छा पॉइंट क्या कहलाता है दैट इज द एलिवेशन ऑफ ब्लॉक ई ब्लॉक ई की एलिवेशन बहुत अच्छी है यानी कि अगर आप साइड पर विजिट करते हैं सेल्फ मैं एक राउंड बोर्ड पर खड़ा हूँ एक जंक्शन पॉइंट है एक साइड ब्लॉक एफ है एक साइड ब्लॉक ई है एक साइड ब्लॉक एच है और एक साइड ब्लॉक जी है इन चारों ब्लॉक्स के दरमियान में ब्लॉक ई e जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है ब्लॉक एफ के बाद ब्लॉक एफ चूंकि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है वो मैं अक्सर वीडियो से पहले भी कह चुका हूं और ब्लॉक एफ के साथ सेकेंड प्रोमिनेंट जो ब्लॉक आता है वो आता है ब्लॉक सी जो बिक्स की बैक साइड हो गया है लेकिन इन दोनों के ब्लॉक जो पीछे वाले ब्लॉक हैं ब्लॉक जी और ब्लॉक एच पीछे देखते हैं जे के एल एम उन चार ब्लॉक को देख लें और इस ब्लॉक को देख लें तो इसकी एलिवेशन काफ़ी अच्छी बनती है काफ़ी अच्छी पॉइंट बनता है इसके बिल्कुल साथ ब्लॉक डी भी है जिसकी मैं बाद में एक सेपरेट आगे वीडियो एक्सप्लेन करता हूँ साइड पर उसके जाकर उसकी ड्रोन की वीडियो मैं रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर करूंगा कि इस ब्लॉक में क्या डेवलपमेंट का स्टेटस है ब्लॉक अगर ई की अगर बात करें ब्लॉक ई में प्लॉट के साइजे के हवाले से सेकंड पॉइंट आता है प्लॉट के साइजेज तो ब्लॉक ई में प्लॉट साइज जो है वो सात मल्ला के प्लॉट्स हैं और कुछ कॉर्नर प्लॉट दस मला के होंगे विद एक्स्ट्रा लैंड वैसे आमतौर पर जो प्लॉट हैं वो 30 बाय 53 के प्लॉट और अगर स्क्वेयर यार्ड में बात करें <coughs> तो 175 सेवेंटी फाइव स्क्वेयेर यार्ड के प्लॉट होंगे टोटल अब ब्लॉक ई e में इसके अलावा किसी दूसरी कैटेगरी के, के प्लॉट नहीं है और ब्लॉक ई e का अपना स्कूल मस्जिद और सारे कुछ जो प्लॉट्स हैं उसके लिए डेजिग्नेटेड है ऑलरेडी अब पहला पॉइंट था लोकेशन सेकेंड पॉइंट था कि ब्लॉक साइज थर्ड इसके इस डिवेलपमेंट का स्टेटस इस वक्त ब्लॉक ई e में अगर आप विजिट करते हैं ब्लॉक ई e के डेवलपमेंट देखते हैं ऑन ग्राउंड तो आपको तकरीबन सेवेंटी टू एटी परसेंट डिवेलपमेंट ऑन ग्राउंड हुई नजर आती है ब्लॉक ई e सात मल्ला का एक ब्लॉक है और सात मल्ला के ब्लॉक इसके साथ इस तरह डेवलपमेंट का स्टेटस जो है क्योंकि उसमें छोटे छोटा ब्लॉक जो लॉन्च किया गया था वर्सेस प्राइम में वो मरला था और सात मरला के ब्लॉक के लिहाज से डेवलपमेंट इसकी बहुत अच्छी है क्योंकि सबसे ज्यादा इवेंट्री इसी की सेल हुई थी हमने सेल की हुई या किसी अदर सेल्स पार्टनर ने सबसे ज्यादा इन्वेंट्री इसकी सोल्ड आउट हुई थी तो ये ओवरऑल ब्लॉक ई के तीन पॉइंट से लोकेशन डेवलपमेंट स्टेटस एंड प्लॉट साइजेस तीनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बाकी इसकी जो सेकंड वीडियो होगी हर एक वीडियो के मैं दो दो पार्ट्स बनाऊंगा पहला वीडियो जो उन ग्राउंड खड़े होकर कि यहाँ पे क्या स्टेटस है और सेकंड इज कि उसकी एरियल फुटेज समेत कि उसमें क्या डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड हुई है सो दिस वॉज इट फ्रॉम टूडे अगर आपको स्मार्ट सिटी में बुकिंग के वाले से कुछ मालूम चाहिए तो हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू डब्ल्यू अगर आपको uh, मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है आप उस पर रबा कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ व लाइक कमेंट एंड शेयर और, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान शीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़